तो फिलहाल मैं आ गया हूँ सुखी बैंड की तरफ और यहाँ पर लिखा हुआ भू संकलन बरसाती नाला संभावित क्षेत्र, मतलब यहाँ का जो रास्ता है यहाँ पर कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। और आप देख रहे हो पानियों के बीच से हमको साइकिल निकालनी है और मैं जब पानी के बीच में से साइकिल निकालूंगा तब वो थोड़ा रास्ता भी ख़राब है और यहाँ पर कभी भी पत्थर ऊपर से नीचे गिरने की बहुत ही संभावना रहती है। तो आप देख सकते हो पहाड़ों के नीचे से मुझे साइकिल निकालनी पड़ रही है और ऊपर से पहाड़ कभी भी गिर सकते, इसके पहले उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दे दी है। तो रास्ते से आप निकलते हो तो जो वार्निंग है कुछ बोर्ड है उनको पढ़ते हुए निकले, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हमें आगे से कैसे ड्राइव करना है या साइकिल चलानी है या जो भी है। तो फिलहाल आप देख रहे हो पानी ऊपर से आ रहा है नीचे जा रहा है और इसके ऊपर से मुझे साइकिल निकालनी है। फिलहाल आप जो व्यू देख रहे हो हर्सिल जाने वाला, काफी अच्छा काफी खूबसूरत व्यू है। ऐसा व्यू कभी नहीं मैंने देखा हुआ सच में, ऊंचे ऊंचे पहाड़। रास्ता छोटा बट जगह ज्यादा। तो फ्रेंड्स फिलहाल आपको जो नीचे रोड दिख रहे हैं तो वो सारे रोड से मतलब मैं पहाड़ों से ऊपर तक मैं आया हूँ। तो आप खुद सोच सकते हो कि अभी तक मैंने कितनी पहाड़ पे चढ़ाई की होगी, कम से कम गंगाने से लेके 15 किलोमीटर तक कंटिन्यू ऊपर ही मुझे साइकिल चढ़ानी थी। अब लास्ट 1.5 से 2 किलोमीटर बाकी रह गया जो मुझे साइकिल चढ़ानी है। बट आप व्यू देख सकते हो कि यहाँ पर पहाड़ों पर साइकिल चला के ऊपर लाना पड़ता है और ऊपर आपको दिखेगा थोड़ा सा स्नो जो पहाड़ों पर ऊपर की साइड है, ये तो आपको ऊपर स्नो भी दिख रहा है, बर्फ की पूरी परत जमी हुई है। तो यहाँ का जो मौसम है काफी ठंडा है। बट यार अभी तक सच्ची में इतना मुझे ऊपर आना पड़ा है यार पहाड़ पे पूरी साइकिल और सामान के साथ में। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा और वेट करने के बाद मैं आगे की तरफ ऊपर जाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आया हूँ हर्सिल गांव में और ये है पोस्ट ऑफिस हर्सिल की। ये पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस है जो राम तेरी गंगा मेली मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो गाइस मैं अभी आया हूँ प्राचीन भैरव मंदिर। कहते हैं जब नीचे से गंगा माँ की डोली ऊपर आती है तो एक दिन यहाँ पर रुककर उसके बाद ही ऊपर गंगोत्री धाम में स्थापित होते हैं और वहाँ पे उसकी पूजा शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं मंदिर भैरव घाटी, प्राचीन भैरव मंदिर। तो ये है प्राचीन भैरव मंदिर आप देख सकते हो। तो ये है प्राचीन भैरव मंदिर के भैरव जी की मूर्ति। तो जो भी गंगोत्री धाम आते तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करके उसके बाद ही ऊपर की तरफ माँ गंगोत्री के दर्शन करने के लिए जाते। तो आप सबने देखा प्राचीन भैरव मंदिर, अब हम जाएंगे गंगोत्री की तरफ। लेकिन अभी अंधेरा काफी हो चुका है और यहाँ से गंगोत्री है 8 किलोमीटर। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज रात तक मैं गंगोत्री पहुंच जाऊं। तो गाइस मैं आपको शाम का नज़ारा दिखा दूं। आप सामने देख सकते हो बर्फ की चादर और अभी हो रही है बहुत ठंडी और मैं और शिवलहरी अकेले अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे गंगोत्री, माँ गंगोत्री पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ किरीट नागर, वेलकम टू नागर ब्लॉग्स। और अभी मैं आ गया हूँ गंगोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखा दूं गंगोत्री माता जी के दर्शन, माँ गंगा के दर्शन। तो आप देख सकते हो आगे इतनी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी भीड़ है और
यहाँ पे इतनी सारी लाइन माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, तो कहीं कहीं लाइन का इश्यू हो रहा है। तो आप देख रहे हो काफी भीड़। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, और ये है मंदिर का द्वार। तो ये है यहाँ का गंगा घाट, और यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिलहाल वहां से रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि भीड़ ज्यादा है, तो कुछ लाइन को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस आप देख रहे हो मैं आ चुका हूँ मंदिर के बाहर, और यहाँ पर काफी है भीड़। तो यह है माँ गंगोत्री का मंदिर, माँ गंगा मैया का मंदिर, और पहाड़ों के बीच में, और यहाँ की आप भीड़ देख सकते हो। और मेरे सामने खड़े हैं धवल भाई जो अहमदाबाद के निकोल से है। तो आप मिले इनसे, और लाइन देख सकते हो काफी 2 से 3 घंटे की लाइन है, और काफी अभी ठंडी भी है और यात्री भी काफी है, और अपने माता जी का मंदिर भी देख लिया। तो ये मेरे आज हो चुके हैं 2 धाम पूर्ण। अभी मैं आगे की मेरी जो जर्नी रहेगी, आगे की मेरी जो यात्रा रहेगी, वो है केदारनाथ जी, और केदारनाथ यहाँ से है 300 किलोमीटर के ऊपर। तो फिलहाल मैंने यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों धाम क्लियर कर दिए हैं। तो ये है यहाँ का मुख्य स्नान घाट, जो से गंगोत्री धाम का, तो यहाँ का ये मुख्य स्नान घाट है, और सब यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। तो नीचे घाट है, तो आप देख सकते हो गंगा मैया का बहता हुआ पानी, और सब यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं इस घाट पर, और काफी पानी का जो बहाव है काफी तेज है। और सामने की साइड में आश्रम है, कुछ मंदिर है छोटे बड़े। और इसे भगीरथी नदी इसलिए कहते हैं, और इसे भगीरथी नदी भी कहा जाता है, और भगीरथी नदी कहने का ये रीजन है कि जो भगीरथ जी थे उन्होंने यहाँ पर काफी तपस्या की थी माँ गंगा को लाने के लिए, फिर भी माँ गंगा नीचे नहीं आए, और अंत में उन्होंने शिव जी की उपासना करके शिव जी को प्रसन्न किया, तभी माँ गंगा से शिव जी से मांगा कि थोड़ा सा पानी हमारे पृथ्वी के लिए चाहिए, तब माँ गंगा का यहाँ पर उद्गम हुआ, तभी इसे कहते हैं माँ गंगोत्री। तो कुछ इसे भगीरथी नदी भी कहते हैं, कुछ गंगोत्री नदी भी कहते हैं। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ पांडव गुफा की तरफ, और पांडव गुफा यहाँ से है 2 किलोमीटर, और पांडव गुफा का रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए जब पांडव जंगल में गए थे, तो जिस गुफा में पांडवों ने विश्राम किया था
वो है पांडव गुफा। तो फिलहाल वो गुफा को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ पांडव गुफा में। तो फिलहाल आप जो देख रहे हो ये है सूर्य कुंड, और यहाँ के पानी का जो फोर्स है काफी ज्यादा है। ये बोलो हर हर महादेव, अटकेश्वर महादेव, केदारनाथ की जय। ये मिले मुझे समाज से, मेरे मामा, मेरे भाई और मेरे अंकल, तो सब मुझे मिलने के लिए आए यहाँ पर गंगोत्री। तो सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव। तो ये मैं निकल रहा हूँ जंगलों से होके और पांडव गुफा की तरफ, और ये यहाँ से दूर है 1.5 से 2 किलोमीटर। तो काफी पतला है यहाँ का जाने का रास्ता, और संभाल के जाना चाहिए यहाँ पे क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है। और सेल्फी या फिर किसी अदर एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे मतलब मजाक नहीं करना चाहिए, बिकॉज रास्ता क्योंकि नीचे खाई भी काफ़ी बड़ी है। तो अगर ऐसी जगह पर आप आते हो तो दर्शन करने के माध्यम से ही आए, न कि मजाक मस्ती के, वरना एक मजाक आपको यहाँ पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे छोटी सी सीढ़ी है, तो छोटी सी सीढ़ी की ओर से हम जाएंगे पांडव गुफा की तरफ, जिसे भीम गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दिशा भी दी हुई है कि पांडव गुफा की जाने के लिए ये रास्ता। तभी मैं सोचता हूँ कि भाई ये पांडव गुफा की वहाँ पर मंदिर पे इतनी लाइन है, बट लेकिन पांडव गुफा जाने की और लाइन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े डिफिकल्ट है जिसकी वजह से कम लोग यहाँ पर आना पसंद करते। वैसे आते ज़्यादा है बट बहुत ही कम आते हैं रास्ते की वजह से। तो फिलहाल मैं आपको पहाड़ों का भी व्यू दिखा दूँ साथ में, रास्तों के साथ में, कि यहाँ पर कैसे पहाड़ है और कितनी बड़ी ये खाई। फिलहाल मैं हूँ इधर जंगल में,
आप देख सकते हो। तो ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, जो एनिमल्स बाहर ना आए, तो ये सेफ्टी के लिए बॉर्डर्स है, या कुछ जंगलों में ये बॉर्डर इसलिए किए हुए कि जो जंगली एनिमल्स है वो इसी जगह को क्रॉस करके तो ये जो बॉर्डर है एनिमल्स इसे क्रॉस करके बाहर की तरफ ना जाए और किसी को नुकसान ना करे, इसलिए ये बॉर्डर की हुई है कि जिससे एनिमल्स उस पार ना जा सके, और काफ़ी अच्छा है सुरक्षा के लिए। और हर जगह पर जंगल जहाँ पर है वहाँ पर ये बॉर्डर की हुई है। ये पांडव गुफा, तो अब हम आ चुके हैं पांडव गुफा की तरफ, और ये है हमारी पांडव गुफा, और ये अंदर जाने का रास्ता, और आप देख सकते हो कुछ लिखा भी है और पढ़ भी सकते हो। तो हम ये आगे पांडव गुफा की तरफ, यहाँ पे जोर से तो बोल नहीं सकते, तो पांडव ने यहाँ पर तपस्या की थी और पांडव यहाँ पे रहे थे। इस चप्पल पड़े यहाँ पे, तो फिलहाल महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, और वरना रास्ता भी काफी इतना छोटा है कि बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। हर हर महादेव। तो गुफा के बाहर का दृश्य देख सकते हो, बहुत ही सुपर, और नीचे है खाई और चारों तरफ जंगल। और आपको मैंने बताया था कि दूर से लग रहा है पहाड़, और पहाड़ के अंदर है गुफा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पांडव गुफा, और यहाँ का जो रास्ता काफ़ी पहाड़ी भी अच्छा भी है और वार्निंग वाला भी रास्ता है। तो चलो हम चलते बाकी की ओर। और आज हमने गंगोत्री माता के भी दर्शन कर लिए, पांडव गुफा भी आपको मैंने दिखा दिया, और सूर्य कुंड भी आपने सबने देखा। तो ये है गंगोत्री का दृश्य, और यहाँ से 19 किलोमीटर ऊपर है गौमुख, जहाँ से माँ गंगा नदी का पानी आता है, माँ गंगा का उद्गम स्थान है, और वहाँ से ही माँ गंगा नदी शुरू होती है, और वो है ग्लेशियर में। तो हमको मिले यहाँ के भाई जो यहाँ पर रहते हैं, तो ये यहाँ के बारे में कुछ हमको बताएंगे पांडव गुफा के बारे में। तो भैया, आप हमें बता सकते हो कि पांडव गुफा के बारे में, मतलब यहाँ पर कैसे पांडव आए थे और क्या हुआ? यहाँ पे आए थे पांडव, श्री कृष्ण के ढूंढ में आए थे पांडव जी ना यहाँ पे, तो उन्हें यहाँ पे श्री कृष्ण मिले नहीं, उन्हें मिले मृत अवस्था में, यहीं जंगलों में वो मृत अवस्था में, मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो वो देख के पांडव बहुत नाराज हो चुके थे, तो यहाँ से पैदल ट्रैक गए, वहाँ से ना गौमुख से ऊपर से 7 दिन का ट्रैक जाता है ऊपर से केदारनाथ। तो केदारनाथ में वो भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिए, दर्शन देके सांड के रूप में भोलेनाथ नीचे चले गए, मतलब पाताल में चले गए। तो पाताल में पीठ ही पीठ उनकी जो केदारनाथ में पूजा होती है वो होती है पीठ की पूजा, और जो उनका सर निकला था भैंसे का जो सर निकला था वो निकला था पशुपतिनाथ नेपाल में, वो वहाँ होती है नेपाल में। तो कहा यह गया है कि वहीं से पांडव ना स्वर्ग के लिए गए थे, क्योंकि वहीं से स्वर्ग का रास्ता जाता है, तो केदारनाथ से स्वर्ग का रास्ता जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहीं से गए थे पांडव, यहाँ पे भगवान कृष्ण को ढूंढते आए थे, वो मृत अवस्था में जंगल में मिले, और वहाँ से फिर वो चले गए गौमुख, गौमुख केदारनाथ, केदारनाथ चले गए, और वहाँ पे मिले भगवान शंकर। हाँ, भगवान शंकर ने उन्हें भैंसे के रूप में, बैल के रूप में दर्शन दिए, उसके बाद वो पाताल लोक में चले गए, उनके मतलब जो पीठी पीठ थी वो पीठ वहाँ निकली, और जो सर निकला वो पशुपतिनाथ में निकला नेपाल में। पीठ की पूजा केदारनाथ में होती होती है। और मेरा नाम शिवम नोटियाल, शिवम नोटियाल। हाँ जी हाँ जी, पंडित हूँ सर मैं, ब्राह्मण हूँ।
अच्छा, वेरी गुड। और आपको अच्छा नॉलेज है यहाँ का, बिकॉज़ हम तो यहाँ पे टूरिज्म में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमको कुछ पता नहीं, तो आप जैसे मिलते तो हमको सपोर्ट करते हो, हमको कुछ तीर्थ स्थल के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर ये हुआ था। कोई नहीं, कोई नहीं सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। ओके सर, ओके ओके, हमें भी बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो फाइनली कैसे आपने देखा, जो हमको शिवम मिला था और उसने सब कुछ बताया यहाँ से, तो पांडव भगवान शंकर के लिए गौमुख की तरफ गए थे। तो शायद मैं भी कल मॉर्निंग में जाने वाला हूँ गौमुख, जो यहाँ से 19 किलोमीटर दूर की ट्रैकिंग है और उसे ग्लेशियर भी माना जाता है, और काफ़ी वहाँ पे बर्फ है और वहाँ पे शायद ठंड अभी माइनस में चल रही है अभी तो। तो फाइनली गाइस, मैं आया हूँ कार्यालय वन विभाग के, और मुझे जाना है सुबह मॉर्निंग में गौमुख की तरफ, लेकिन रूल्स यहाँ का यह है कि सिंगल मेंबर को यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती। तो मैं पूरा गंगोत्री घूमकर आया, और पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं अपने दोस्तों को लेके आया, नए नए दोस्तों आए मेरे साथ में, और सबको इकट्ठा किया और मैंने परमिशन ली। समथिंग मैंने दो दोस्त यहाँ पे बनाए नए, और परमिशन ली यहाँ की, और मुझे लास्ट में मुझे यहाँ पे परमिशन मिल गई। और ये जो फ्रेंड है मेरे, अब सर कहाँ से हो? हम भाई दिल्ली से। दिल्ली से, दिल्ली वाले भी सब साथ में, तो गौमुख आने वाले, महाराज जी भी गौमुख आने वाले। तो फ्रेंड्स चलो फिर चलते, कल मिलते हैं गौमुख पर। और फिलहाल परमिशन मिल गई है, देखो अभी गाइड वाले भी रेडी हो गए। गाइड कितना लेते आप, गाइड का कितना लेते हो? हो जाएगा अगर ले जाने तो। नहीं, फिर भी आप कितना लेते हो? एक दिन का 2000। एक दिन का, एक दिन का 2000। तो गाइड का रेट है एक दिन का 2000, बट थोड़ा बजट में मेरा नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, देखते हम आगे करेंगे आगे की यात्रा। तो फाइनली गाइस, गौमुख के लिए परमिशन मिल गई है वन विभाग से, और निकलते मॉर्निंग में 4:30 बजे गौमुख।